ओके, सो हम एनडीए के मैथमेटिक्स पार्ट वन को डिस्कस कर रहे हैं। हम पार्ट वन में कौन कौन से टॉपिक लिए हैं, मेनली पार्ट वन में हम 11th की टॉपिक्स कवर कर रहे हैं विद एनडीए के साथ। तो इसमें जो हम टॉपिक लिए हैं, फर्स्ट में सेट रिलेशन एंड फंक्शन। अभी जस्ट अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था उसमें देखिए, इसमें 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा हुआ था, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 हैं। तो आप ऐसे देखते जाएंगे तो आपको इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया ट्रिकोनमेट्रिक फंक्शन से, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 13 क्वेश्चन पूछे हैं जस्ट अप्रैल में। उसके बाद आपको सिक्वेंस सीरीज में पूछे हैं 8 क्वेश्चन। ये भी आप बोल सकते हैं 1 स्टार, इसको आप बोल सकते हैं 2 स्टार, बाकी आप सेट रिलेशन फंक्शन को भी बोल सकते हैं। तो ये सारे हम टॉपिक्स लिए हैं जो कि मेनली आपके 11th क्लास में है, और इसको हम एनडीए मैथमेटिक्स पार्ट वन बोल रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी। सेट रिलेशन एंड फंक्शन ये बेसिकली होता क्या, इसको हम थोड़ा समझते हैं और क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लिखे हैं सेट की डेफिनेशन। तो सेट होता है क्या बेसिकली, आप सेट की परिभाषा या मतलब डेफिनेशन ऑलरेडी जानते हैं, बस आपको इसमें जहाँ पे डॉट उसको हम समझा रहे हैं। जैसे आपसे पूछ देता सेट, तो ऐसे डिफाइन करते वेल डिफाइंड क्या है, मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, और आप यहाँ पर देख रहे हैं अनऑर्डर, इसका मीनिंग क्या है। हमने लिखे हैं कि ए सेट इज अ डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसका मतलब क्या, वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि आपके कलेक्शन में, यदि आप इसका ये आप मान लीजिए एक कलेक्शन, यहाँ पर एलिमेंट लिख रहे हैं, एलिमेंट लिख रहे हैं 2 3 4 5, आप ये एलिमेंट लिखे तो आप हर एलिमेंट को डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं और हर एलिमेंट को वेल डिफाइंड कर पा रहे हैं। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर होता है कि आप हर एक दूसरे एलिमेंट को ये डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं कि इसमें आपके एलिमेंट आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे हम बोल दे कि मान लीजिए कि 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर, तो आप 5 से डिविजिबल होने वाले 10 भी बोल सकते हैं, 15 भी बोल सकते हैं, आप 35 भी बोल सकते हो, तो आप 5 से डिविजिबल कोई भी नंबर बोल सकते हो। तो मतलब यहाँ पर हम ये कर, जैसे आप यहाँ 7 क्यों नहीं लिख पा रहे, 7 इसलिए नहीं लिख पा रहे कि आपको पता है कि जो 5 से डिविजिबल होने वाला है वो उसका रूल क्या है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ रिमाइंडर नहीं बच रहा। हम इस एलिमेंट को डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं कि यार ये सेट मेरा 5 से डिविजिबल वाले हैं तो उसमें 7 नहीं लाइक कर रहा। वेल डिफाइंड का मतलब यही कि आपके पास एक स्केल मिल जाना चाहिए, मैथमेटिकल स्केल, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि जो जो एलिमेंट आपको मिल रहा क्या वो आपके कलेक्शन में आ रहे, आपके सेट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो मैंने वेल डिफाइंड का मीनिंग, जैसे हम बोल दे कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन, दैट इज नॉट अ सेट, बिकॉज आपके पास कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मेजरमेंट करने के लिए कोई एक रूल नहीं बना सकते हैं। सो डेट कि आपको बोल, सपोज हम करें ए स्टूडेंट, क्या यदि हम सही एक कलेक्शन की ये बना रहे हैं कि मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट की सेट, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप जैसे एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट सी है, आप कैसे डिस्टिंक्ट कर पाइएगा कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो मतलब इसका कोई स्केल नहीं है, दैट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। आप इसको एक कलेक्शन में नहीं डिफाइन कर सकते जो कि अच्छे से डिफाइन हो, तो हम दूसरे को नहीं बता सकते कि फिर ये इस कलेक्शन में आएगा कि या नहीं आएगा। सो वेल डिफाइंड का मीनिंग यहाँ पर यही है। अनऑर्डर का क्या मतलब है? जैसे आप देखिए, जैसे अभी हम जस्ट 5 से डिविजिबल के बारे में बोले, 5 से डिविजिबल के बारे में बोले, तो आप 10 15 35, आपका मन आप 200 लिख दीजिए, मतलब कोई एक ऑर्डर में नहीं चलें, बस हमको मतलब है सिर्फ 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब कि आदि आप 10 15 35 20 लिख रहे हैं, तो आप जैसे कहने का मतलब अभी जस्ट आगे ले रहे हैं, सेट को रिप्रेजेंट जैसे करने का तरीका होता है ये करली ब्रैकेट में, जैसे मान लीजिए 5 से डिविजिबल का किसी बंदा ने लिखा 5, किसी स्टूडेंट ने लिखा 5 10, किसी ने लिखा 15, किसी ने 35 लिखा, और मान लीजिए किसी ने लिख दिया 15 10, किसी ने लिख दिया 35 5, ऑल आर सेम बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज हियर व्हाट, कि जो भी एलिमेंट उसमें आ रहे हैं, जो भी एलिमेंट उसमें आ रहे हैं वो आपके मतलब कि सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं, जो हम वेल डिफाइंड एक स्केल बनाए,
दैट इज द मीनिंग ऑफ सेट, उसी को हम कलेक्शन को सेट बोलते हैं। और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब हम इसमें रिपीटेशन ऑब्जेक्ट की नहीं करते हैं, रिपीटेशन ऑब्जेक्ट की नहीं करते हैं। आगे रीजन पता चल जाएगा कि ऐसा डिफिनेशन ही क्यों बनाया, क्या इसके पीछे लॉजिक है। ओके, सो हम यहाँ पर देखिए, हम सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का लिखे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब देखिए, जैसे सेट मतलब जैसे किसी ने लिखा जैसे कि एलिमेंट, ये किसी ने अही एलिमेंट को इस हिसाब से भी लिख सकता, कोई आदमी इस चीज को इस हिसाब से भी लिख सकता है। इसको हम इरेज कर दें। हाँ, कोई आदमी इस सेट को इस हिसाब से भी लिख सकता है, जैसे कि फाइव सेट डिविजिबल होने वाले को कोई आदमी इस तरह से भी लिख सकता। हालांकि फाइव सेट डिविजिबल होने वाले फिनाइट नहीं होंगे, इनफिनाइट होंगे, लेकिन हम जस्ट उसको टर्मिनेट कर देता कि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन फिर भी आप हम डॉट डॉट लगा देते कंफ्यूजन ना हो। ये इनफिनाइट हो सकता है, ये इनफिनाइट होगा। तो अब कोई एक बंदा होगा, कोई एक स्टूडेंट होगा जो इसको इस तरह से लिखेगा कि इसी बात को कि एक्स इसका कोई एलिमेंट होगा जो कि ऐसा होगा, मतलब सच डेट, इस साइन को बोलते हैं सच डेट, ऐसे लिखिए और आप ऐसे लिखिए, दोनों मीनिंग से सच डेट एक्स शुड बी डिविजिबल वाला डिविजिबल बाय फाइव। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दे रहे हैं और उसके प्रॉपर्टीज को लिख दे रहे हैं। तो मतलब सेट को मेनली दो तरह से लिखने का एक और चलता है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, मतलब कि स्टेटमेंट वाइज। जैसे इसको इस सेट को हम लिख देखिए ऐसे एलिमेंट जो फाइव से डिविजिबल है, तो वो कोई काम का नहीं। मेनली दो, तो दो मेथड, जिसमें एक मेथड हम पढ़ रहे हैं रोस्टर फॉर्म मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। मतलब इसी को हम लिख सकते थे एक्स सच डेट एक्स एक्स इज डिविजिबल बाय फाइव, हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं। तो इस दो मेथड को देखते हुए हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय टू मेथड्स, रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, इसको कभी कभी हम लोग टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबल बना देते हैं उसको बाय कॉमा देके। जैसे कि हम अभी फाइव सेट डिविजिबल होने वाले एलिमेंट्स को देख रहे, तो फाइव टेन फिफ्टीन लिए, जैसे हम ए सेट इसी को बोल दिए, ये भी उसी के इक्वल हुआ और ये भी इसी को इक्वल हुआ। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट को लिख रहे हैं, एवरी एलिमेंट वी हैव टू राइट इन इन अ लिस्ट, मतलब एक लिस्टेड ऑर्डर में हमको लिखना पड़ेगा। ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी अगेन हम ऑर्डर बोल दिए तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, मतलब यहाँ पर सारे एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है, मतलब इसको टेबलर मेथड भी बोलते हैं। तो ये आपका टेबलर मेथड हो गया। जैसे हम इसी सेट को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किए, इस सेट को हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किए, तो आप देख सकते हैं कि ये भी रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन यहाँ पर क्या करें, जो एलिमेंट आ रहा है उसके प्रॉपर्टीज को लिख रहे हैं। वही कारण हम लिखे सेट बिल्डर मेथड फॉर्म में क्या करते हैं, जनरल फॉर्म इसकी कोई सेट। अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपका मन जो है, कोई ये स्टैंडर्ड नहीं, जनरली बुक और ऑथर मतलब और सारे बुक फॉलो करते हैं क्या कैपिटल लेटर से, या आप कोई आपका मन है आप कोई ग्रीक लेटर से भी अल्फा बीटा गामा कुछ से भी मान सकते हो, स्टैंडर्ड कोई मेथड नहीं है। इन बुक्स हमें जनरली फॉलो करता है कैपिटल लेटर से, तो इसलिए हम बता दिए कैपिटल लेटर से, लेकिन ये पूरा फ्रीडम है, आप कुछ भी मान सकते हैं सेट को, जनरली कैपिटल लेटर माना जाता है। ओके, यहाँ पर हम ए एक सेट मान रहे, तो हम कह रहे हैं कि कोई यदि एक सेट होगा तो उसको हम सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर सिंबल में लिख देते हैं ए, और इसके एक एलिमेंट वेरिएबल ले लेते हैं। आपका मन यहाँ एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, टी मानिए, पी मानिए, कुछ भी मानिए, वो वेरिएबल होना चाहिए और उसके प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम लिखते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाइड कर रहा। जैसे यहाँ तो आपके ये हो गए ये मेथड, और ये जो मेथड हो गए आपके ये दोनों मेथड हो गए। ये आप समझ पा रहे हैं आई थिंक कि सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, जो एलिमेंट है उसके कॉमन प्रॉपर्टीज को हम लिख देते हैं एक वेरिएबल के थ्रू। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, दूसरी एक बात और, अब देखिए ये सब छोटी छोटी बातें बच्चे वाला नहीं करते, जैसे कि अब फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, सिंगल सेट, ये सब। तो फिनाइट सेट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिनाइट, इनफिनाइट सेट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफिनाइट हो, जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया। तो मतलब ये सिंपल सी बात है, फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इतना कॉमन सेंस है, हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो कार्डिनली, ये देखिए एक टर्म होता है, ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा कभी कभी, कार्डिनलिटी ऑफ ए फिनाइट सेट क्या होता है। देखिए यदि एक हम एक सेट ले रहे हैं एस, और एक हम लिख रहे हैं सपोज डेट 1 2 3 4, लेट्स अभी हम 4 लिखे, ये कौन से सेट हो गया, फिनाइट सेट हो गया। ये फिनाइट सेट हो गया तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए फिनाइट सेट नथिंग बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनल नंबर बोलते हैं, या कार्डिनलिटी बोलते हैं कभी कभी, कार्डिनल नंबर ऑफ फिनाइट सेट बोलते हैं। तो इस सेट की कार्डिनल नंबर क्या हो गया,
इसकी कितना नंबर है एलिमेंट्स, 1 2 3 4। अच्छा जनरली हम लोग लिख देते सीक्वेंस में, लेकिन सीक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं, आप 1 3 4 भी लिख सकते, 2 भी लिख सकते, मतलब किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को, हम इस सीक्वेंस को मतलब इस सेट को हम इसकी कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते, किसी सेट की कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन यहाँ लिखते और सेट को जो रिप्रेजेंट किए थे वो हम यहाँ पर उसकी नाम लिख देते और जितना एलिमेंट रहता है यहाँ पर कितना 4, तो 4 इसकी कार्डिनलिटी हो, कार्डिनलिटी हो गया 4 इसके। आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए इससे ये बेसिक बात थी, हम समझ आप समझ पा रहे हैं इस बात को। ओके, अब देखिए नल सेट, नल सेट क्या होता है, तो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए हालांकि आपको ये बुक वाले सब बहुत इसमें कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, तो हम अपना एक्सपीरियंस बताते इसका। देखिए बस एक ही मीनिंग है क्या हम बता रहे, देखिए जस्ट अभी ब्रीफली समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस इसको, आप अभी मतलब हम परमुटेशन कम्बिनेशन जब पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे। ये क्या करता है, किसी डिस्कशन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे आप मान लीजिए ऐसे समझिए कि आपके पास मान लीजिए कि ए बी सी 3 एलिमेंट है, लेट्स से, तो आप इसमें से कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 3-3 एलिमेंट की सिलेक्शन कर सकते हैं, तीन एलिमेंट की सिलेक्शन कर सकते हैं, आप इसमें से क्या कर सकते हैं, 2 एलिमेंट की सिलेक्शन कर सकते हैं, आप इसमें से क्या कर सकते हैं, 1 एलिमेंट की सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कभी तो ऐसा भी जरूरत पड़ेगा कि आपको इसमें से एक भी एलिमेंट को कलेक्शन नहीं करना, एक भी एलिमेंट को नहीं करना, उसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनना चाहिए, दैट इज अ नल सेट। नल सेट इज नथिंग बट एक किसी मतलब आप ऐसे समझिए किसी एक डिस्कशन हो रहा है तो उसको कंप्लीमेंट बनाने के लिए, ताकि हम ये बाद में कहीं कह दिए उसके कोई एलिमेंट नहीं ले तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। इसीलिए हम लिखे ए सेट विद नो एलिमेंट्स, मतलब कि कोई ऐसे एलिमेंट सेट में नहीं हो। जैसे आपको हम बोल दें कि मतलब कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 बट एट यूनिट प्लेस 3, सोचिए हम बोल रहे नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 बट एट यूनिट प्लेस, जैसे कि 3, जैसे हम कोई भी 3 यदि यूनिट प्लेस पर ले लेंगे तो पक्का है कि ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए डेफिनेटली 0 2 4 6 8 ही रहना चाहिए। ये क्या हो गया, ये 5 सेट हो गया, या इसको नल सेट बोलिए या एम्प्टी सेट बोलिए, जो भी बोलिए, तो इसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं नल सेट के बारे में। देखिए हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो गया एक्स ए नल सेट कैसे होगा, जैसे एक हम नल सेट की एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए आपको नल सेट 5 हम लिख रहे हैं, देखिए 5 हम क्या लिख रहे हैं, एक्स ठीक सच डेट एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बट एट यूनिट प्लेस इज शुड बी या इज 0 2 4 6 8। लेट से आपको हम ये लिख दिए, अब बता ऐसा कोई एक सेट मिलता मिलेगा जो x को सेटिस्फाई, x को एक ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा जो सेटिस्फाई करेगा, नॉट डिविजिबल बाय 2 बट एट यूनिट प्लेस 0 2 4 6 होना चाहिए, ऑब्वियसली ऐसा नहीं मिलेगा, तो इसको हम फिनाइट सेट लिख रहे हैं। तो इसका हालांकि मेन जरूरी होता है जब हम कलेक्शन या सिलेक्शन करते तो उस समय हमको एक सेट कंसिडर करना पड़ता है कि ताकि मेरा डिस्कशन कंप्लीट हो सके। तो ये नल सेट की डिफिनेशन हो गया, आप समझ पा रहे हैं नल सेट को। ओके, सबसेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप इसको सोच सकते उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सेट के, मतलब सेट में सबसेट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टर्म्स, आप इसको समझिए। सबसेट क्या होता, सबसेट इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ सेट। सबसे पहले तो यही डिफिनेशन होगा कि इट इज आल्सो अ सेट, लेकिन सबसेट किसी सेट का सबसेट होता है, कोई सेट किसी सेट का सबसेट होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जैसे हम किसी एक की सबसेट निकालना चाहते हैं, आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, जैसे हम एक बी ए सेट लिख रहे हैं, सब पॉइंट देखिए, तो 1 2 3 5 8 लिख दिए, लेट्स, और हम बी लिख दिए, बी लिख रहे हैं, जैसे देखिए 2 5 3 8 9 ठीक 9 10 लिख रहे हैं सपोज। अब क्या बोला, ये
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो, मतलब देखिए इसके सारे के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए। अब बी में क्या है उससे हमको कोई मतलब है, हमको ए से मतलब है। ए में क्या है, ए में 1, 2, 3, 5, 8 है, बी में क्या है 2, 5, 3, 8, 9, हमको उससे कोई मतलब है। 1 इसमें मिल रहा नहीं मिल रहा तो हम लेट से भी मान लेते 1 भी है, 1 इसमें है, है 2 है, हाँ है, 3 है इसमें, हाँ है, 5 है, हाँ है, 8 है, हाँ है, मान लीजिए 9 है, उससे हमको क्या मतलब। इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल चुके तो ए हो गया सबसेट ऑफ बी, ए हो गया सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको हम सबसेट साइन भी बोलते हैं, इसको सबसेट साइन से रिप्रेजेंट, इसको मतलब यदि ए बी का सबसेट है तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता। अब देखिए एक बात और, अब जैसे हम यहां पर सबसेट माने तो सबसेट दो तरह की बातें हो सकता है। देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है जैसे हम कह दे थोड़ा देर के लिए कि 9, 8, 9, 10 को डिलीट कर दे, 9, 10 को डिलीट कर दे थोड़ा देर के लिए, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में, बी में भी अब कुछ नहीं है। यहाँ पर यदि ए बी के सबसेट है तो हो सकता ए बी के इक्वल भी हो या हो सकता ए बी के इक्वल नहीं भी हो सकता, ए बी के इक्वल नहीं भी हो सकता, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। तो अब जैसे मान लीजिए क्या एक हम एक सेट लिख रहे हैं ए, क्या ये अपने सेट खुद के सबसेट होते हैं? ऑब्वियसली हमेशा होगा, क्योंकि जो ए में एलिमेंट उसमें है तो ए ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, ये हमेशा अपने सेट के सबसेट होते हैं, ऑब्वियसली इसमें सिंपल से पाते हैं ये हमेशा सबसेट होते हैं। तो सबसेट की डेफिनेशन क्लियर है, इसको हम आगे और वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए किसी के सबसेट, जैसे ए को बोल रहे हैं बी का सबसेट, ए के सारे एलिमेंट बी में आना कंपलसरी है, बाकी बी में क्या आ रहा आई डोंट केयर, आई केयर ओनली अबाउट ए, व्हाट एवर द एलिमेंट इनसाइड ए, मतलब जो भी ए में है उसी के बारे में हमको केयर करना है बी में, और बी में क्या है और उसके अलावा आई डोंट केयर, वो किसी के बारे में ध्यान नहीं देता सबसेट इस बात को। तो अब हम आई बोल रहे कि ए बी के सबसेट हो गए, अब ए कभी कभी ऐसे 9, 10 को हम डिलीट कर देते तो ए बी के इक्वल हो गए। अच्छा एक बात और, बी में ये एलिमेंट, अच्छा बी, अच्छा हम एक सेट और लिख रहे हैं जैसे भी नल सेट पर है फाइव, तो फाइव फाइव क्या बी के सबसेट हैं या नहीं हैं? कैसे देखिए बी में ऐसे कोई एलिमेंट होगा ठीक है, मतलब कि नहीं है, तो वो जो नहीं है इसमें भी मान लीजिए वो नहीं है, थोड़ा सा आउट लगेगा, तो आप अभी ऐसे मान के चलिए कि एवरी सेट मतलब कि फाइ हर किसी सेट का सबसेट होता है ठीक, वो धीरे धीरे आपको ये एडजस्ट हो जाएगा कि यदि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो जो कोई एलिमेंट इसमें नहीं होता वही एलिमेंट तो इसमें नहीं है। आप इसको डेरिवेशन भी कर सकते लेकिन हम इसको स्किप कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए हर सेट का फाइ सबसेट होता है। तो आपको दो पॉइंट याद रखना है कि हर सेट इटसेल्फ सबसेट होता है, जैसे हम यदि एस एक सबसेट लेकर हैं तो ये अपने आपके सेट का सबसेट होगा। अच्छा एक नल सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि डिस्कशन कंप्लीट कैसे होगा, हम आपको बोले ना कि ये डिस्कशन कंप्लीट की एक जस्ट स्ट्रेटेजी है मैथमेटिक्स में, और इससे कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा बुक्स वाले, हम बोले आपको एकदम क्लियर माइंड में रखिए इससे कुछ मतलब नहीं, बस ये डिस्कशन को कंप्लीट करा। तो जब हम इसके सबसेट बनाएंगे तो मेरा एक केस ऐसा भी लेना पड़ रहा होगा कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, ये भी तो उसके डिस्कशन के सेट हो गए, मतलब इससे सेट हम एक ओरिजिन ये भी तो कर सकते हैं, मतलब किसी का सबसेट क्या होता है, जैसे बी से जो सेट ओरिजिन हो सकता है दैट इज अ सबसेट। तो आपको यहाँ पर शायद थोड़ा सा डिफिनेशन क्लियर भी हो गया है कि फाइ क्यों सबसेट है, फाइ हर सेट का सबसेट, क्योंकि डिस्कशन कंप्लीट हो। इसके ऐसे ऐसे केस बनाएंगे उसमें हमको एक केस ये भी बनाना पड़ेगा, तो उस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइ, बस एल्स नथिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हर सेट अपने आप का सबसेट होता और फाइ दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है। तो ये दो सबसेट जो किसी सेट का होगा उसको हम बोलते हैं उसके ट्रिवियल सबसेट। तो देखिए आप जैसे हम लिखे फॉर एवरी सेट ए, ए एंड फाइ आर कॉल्ड ट्रिवियल सबसेट, मतलब ट्रिवियल का हिंदी क्या होता है तुच्छ, मतलब कोई वो बेकार है उसको तो सबको पता ही है कि होना ही है, तो ट्रिवियल सबसेट होता है। आई थिंक यहाँ पर क्लियर है कि ट्रिवियल सबसेट क्या है।
तो मतलब खुद और फाय, तो दुनिया को पता कि खुद होगा या फाय होगा, इसमें आप कौन सी नया बात बोल रहे हैं? तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल सबसेट। ओके, तो हम आगे बढ़े। अब देखिए, अभी हम बोले कि ए आदि बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में आना चाहिए। अब देखिए वही हम करें कि सपोज दिस इज अ बी सेट एंड दिस इज ए सेट। तो देखिए ये बी मतलब कि यहाँ ये जो सर्कल आचा, ये बैन डायग्राम बोलते हैं, तो आगे हम थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे और समझाएंगे भी, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। बैन डायग्राम को सर्कल बनाना जरूरी नहीं है, आप बार बार या कोई बुक में देख रहे होंगे सर्कल बनाना, नहीं नहीं, ये जस्ट एक लॉजिकली डायग्राम, हम मेरा मन होगा हम रेक्टेंगल बना के दिखा दे, मेरा मन होगा हम किसी तरह का ऐसे बना के दिखा, जस्ट ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो, थोड़ा इजी हो, थोड़ा सिंपलेस्ट थिंग देखने में इजी लगे, उसके लिए बनाया। और मैथमेटिशियन जो ड्राइव करने वाला था इसको, जो बनाया था, उसका ये कोई मतलब नहीं था कि वो ये नहीं बोला है कि आपको मतलब इसी से मतलब कि सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जनरली ये लोग ऑथर सब फॉलो करते तो और दुनिया भी फॉलो करते तो इसलिए चल रहे, लेकिन आप अपने मन से कोई भी डायग्राम बना सकते, बस सर्कल बनाने से ये होता है कि आप समझ पा रहे हैं इजी से। तो देखिए हम क्या बोले, बी ए जैसे कि मतलब अभी देखे, जैसे बी एक सेट था, बी एक सेट था, जैसे देखिए 2, 3, 5 मान लेते हैं, 4 अच्छा बार बार बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब सेम बी नहीं, हम उसको याद नहीं किए हैं जो, लेकिन बस हमें कोई आधा एग्जांपल ये लिख दे रहे हैं, तो इस बात का भी कंफ्यूज ना रहे कि सर बी आप वहां पे ये लिख रहे हैं यहाँ पर, तो वो इस बात को हम हमेशा एग्जांपल चेंज करके लिखेंगे वो, क्योंकि हमको याद नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान दें। हम क्या बोले, बी में एलिमेंट 2, 3, 5, 7 अच्छा 2, 5, 3, 4 2, 3, 5, 4 अच्छा इसमें कोमा देके नहीं लिखते, जनरली कोमा देके नहीं लिखते इसको, बस इसमें कोमा देके मत लिखिए, आप कोमा देके इसमें नहीं लिखते हैं, मतलब बैन डायग्राम में कोमा देके नहीं लिखते, ये भी बात थोड़ा सा बताना चाहिए। बस आप इसमें क्या करिए, हर एलिमेंट को एक हम पॉइंट के थ्रू दिखाते हैं कि जैसे 4 यहाँ पर है तो 0.4 हो जाएगा, मतलब एक डॉट दिखा देते, 3 यहाँ पर एलिमेंट होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर हम 5 दे रहे हैं, और ये मतलब बी में लिख रहे हैं, ये बी में लिख रहे हैं, ये मान लीजिए 4 है, ये 4 है। अब ए मान लीजिए, ए हम एक सेट लिख रहे हैं, ए ए के एलिमेंट मान लीजिए हम दे रहे हैं 5, बस 5 ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर ए में क्या है एलिमेंट 1, इसको सिंगलेटन सेट भी बोलते हैं, लो लीजिए आपका डिफिनेशन मिल गया, सिंगलेटन सेट बोलते हैं। ओके, तो ये सिंगलेटन सेट हो गया। तो अब देखिए यहां पर एक जो एलिमेंट थे वो बी में आ रहे हैं, एक जो एलिमेंट थे बी में आ रहे थे, इसको वेन डायग्राम से हम दिखा दिए। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट होता है कि कोई सेट जैसे ए है, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा जिसमें कि मतलब ये ए उसके ट्रिवियल सबसेट नहीं हो, मतलब कि ए ना तो बी के इक्वल हो और ना फाई के इक्वल हो, बी सॉरी ए ना बी के इक्वल हो और ना फाई के इक्वल हो, देन इन दैट केस आई कैन से दैट सबसेट इज अ प्रॉपर सेट। जैसे हम लिखे ए इक्वल टू 5, मतलब ए एक सेट लिखे उसमें 5 लिखे। अब जैसे हम एक सी सेट लिख रहे हैं, बताइए जैसे हम 2, 3 लिख रहे हैं, 2, 3 क्या ये बी बी जो बी सी बी का, अच्छा सी से कंफ्यूज आप में हो जाएंगे, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको सी नहीं लेते हैं, इसको डिनोट करने का साइन बदल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हो ओके, देखिए हम लिख रहे थे कि ए एक सेट है, जैसे लिखे हैं 2, 3, 4, 5 और आपको हम बी लिख रहे हैं एक सेट, जैसे मान लीजिए 5 लिखे थे, हम एक लिख रहे हैं डी सेट, तो देखिए डी सेट लिख रहे हैं 2, 3 तो जैसे हम मान रहे कि ये मेरा ए सेट है, ये मेरा ए सेट है और ये मेरा बी सेट है, ये मेरा बी सेट है, वो मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि बी बी के जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो बी यहां सबसेट हो गया ए के, लेकिन ट्रिवियल सबसेट नहीं है, ट्रिवियल सबसेट नहीं है, तो इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, मतलब सबसेट बी सबसेट ए, ये सबसेट डिनोट करता है जब प्रॉपर सेट का साइन होता है इस तरह से, और मतलब ये होता है सबसेट की साइन। यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या कि बी ए का प्रॉपर सबसेट हुआ, क्यों, क्योंकि ये ट्रिवियल सेट में, और ट्रिवियल सेट किसको बोले थे, खुद और फाय, मतलब कोई सेट का ट्रिवियल सबसेट होता है खुद इटसेल्फ और फाय, मतलब कि सब नल सेट, ये लिखिए एनी सबसेट ऑफ ए व्हिच इज नॉट अ ट्रिवियल सबसेट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए,
मतलब प्रॉपर सेट ऑफ ए। डी क्या प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है? ऑब्वियसली है, क्योंकि फोर और फाइव, और मतलब डी ना तो ए के इक्वल और डी ना फाइव के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डी हो जाएगा प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ ए। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, ए मेरा रिप्रेजेंटेशन है, देखिए ए यदि सेट ए को रिप्रेजेंट करे तो प्रॉपर सेट हमेशा इसके अंदर में आएगा, कभी इसको ओवरलैप नहीं करेगा, इसको ओवरलैप कभी नहीं करेगा, इस बात का ध्यान में रहें, कभी इसको ओवरलैप नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, ये आपका हो गया प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। इस पे कोई खास पॉइंट अभी कुछ नहीं है, आगे हम बताते हैं तो समझ में आ जाए। अच्छा एक मिनट और, अभी देख लीजिए, बस नोट यहीं पर करवा रहे हैं तो नोट यहीं पर कर लेते हैं। देखिए कि ए ए यदि बी के सबसेट है और बी ए के भी सबसेट है, ऑब्वियसली है कि वो दोनों अपने आप में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी के सबसेट है और बी ए के सबसेट, मतलब ए में जो सब भी एलिमेंट वो बी में आ रहे हैं और बी में जो सब एलिमेंट ए में आ रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसे लॉजिकली भी दिख रहा है कि हाँ ये प्रूफ, मतलब सही माने में दोनों इक्वल है। ये आपके क्या हो गया, एक थ्योरम है, मतलब इसको आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली कभी कभी पूछा जा सकता है। नोट सेकेंड में आप क्या बोल सकते हैं, देखिए यदि हम बोल रहे कोई एस सेट है, इसमें एलिमेंट मान लीजिए ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, ए फाइव है, सो ऑन करके इसके एलिमेंट मान लेते ए एन तक है। अब एस के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट विल बी दिस, मतलब इसके कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस, मतलब कि एस के हम ऐसे कितने सेट बना सकते जो कि सबसेट हो। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ऐसे हम एक सेट बनाते जो एक एक एलिमेंट रख रहा होगा, ऐसे सेट बनाते जो दो दो एलिमेंट रख रहा होगा, ऐसे सेट बनाते सबसेट बनाते जो थ्री थ्री, बिल्कुल आप राइट डायरेक्शन में, आप 1% भी यहाँ पर गलत नहीं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ी सी पीएनसी परमुटेशन कंसेप्ट लगता है, तो उसको हम जब चैप्टर पढ़ेंगे उसी समय डिस्कस करेंगे। तो बस आप अभी समझिए, आपको डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखा रहे हैं कि यदि एन एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट जो होगा 2n होगा, 2n, एन इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, इन अ सेट एस सेट, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एस, ये बेस्ट रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगा उसका कार्डिनलिटी। अच्छा ये बात तो समझ में आ गया। एक पॉइंट और हम यहीं पर लिखा देना चाहते हैं, हालांकि ये कोई आप लॉजिक से भी सोच सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस जो इतना हुआ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, बोलिए क्या होगा, पॉज करके बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट। देखिए इसके टोटल इतने सबसेट हुए तो इसमें तो ट्रिवियल भी काउंट किया गया होगा, ट्रिवियल भी काउंट किया गया खुद और फाइव, तो इसके टोटल प्रॉपर सबसेट जो होगा ये इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ टू। ओके, तो आई थिंक यहां पर आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पावर सेट ऑफ ए, देखिए ये क्या, ये भी दिस इज वेरी सिंपल। देखिए अभी हम जस्ट अभी हम एग्जांपल देखें कि ए एक सेट था, जैसे मान लेते हैं 5, 6, 7, सिंपल सा लिए, ये सेट है, तो इसके सबसेट हम अभी आपको काउंट भी करवा के दिखा रहे हैं, इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, तो देखिए 5 होंगे, 6 होगा, वन एलिमेंट कंटेन करने वाला, ठीक, अच्छा दो एलिमेंट कंटेन करने वाले 5, 6, 6, 7, और देखिए 6, 7 हो गया और 5, 7, और देखिए इसके 3 एलिमेंट कंटेन करने वाले 5, 6, 7, एक भी इसके एलिमेंट नहीं कंसिडर करने वाले 5। तो देखिए टोटल इसके सबसेट कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसमें नंबर ऑफ या कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना, 3। तो अभी हम जस्ट पढ़े सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, जस्ट अभी हम पढ़े नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2n - नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ये बोलिए। तो 2 यहाँ पर कितना है, देखिए 3 था 3 और कितना आ रहा, 8। तो देखिए आप जब बाय फार्मूला जाने 8 आ रहा, आप जब कैलकुलेट करें तो 8 आ रहा। ये एक एलिमेंट, एक सेट है, ये भी एक सेट और ये भी सेट है और ये भी सेट होगी,
अब पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, पावर से जैसे कार्डिनलिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट किए थे, तो पावर सेट ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करते पी ए से। ये क्या बोलता है, किसी सेट के पावर सेट, पावर सेट भी क्या होगा, एक सेट होगा जो कि इसके सारे सबसेट से फॉर्म किया गया हो, सारे सबसेट से फॉर्म किया गया हो। तो पावर सेट इज नथिंग बट इट इज अ सेट। अच्छा, पावर सेट किसका डिफाइन होगा, पहली बात तो इनफिनाइट का भी होगा, फिनाइट का भी होगा, लेकिन जस्ट हम कैलकुलेट कर पाएंगे फिनाइट का ही। ठीक है, यहाँ पर लिखे क्या, इफ ए इज अ फिनाइट सेट, जैसे हम मान लिए कि ए को फिनाइट सेट, देन सेट ऑफ द ऑल सबसेट, मतलब सेट ऑफ ऑल सेट, ऑल सबसेट, सबसेट ऑफ ए, ठीक, मतलब सेट ऑफ ऑल द सबसेट, जो भी इसके सबसेट है, सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, और इसको डिनोट इससे करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट है कि पावर सेट के कार्डिनलिटी कितना होगा, किसी ए एलिमेंट है तो उसके कार्डिनलिटी कितना होगा, कार्डिनलिटी उसकी कितना होगा। तो पावर सेट ऑफ ए तो ये अभी देख ही लिए कि इसमें एट एलिमेंट बनेगा, ये सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, वो सही है, लेकिन इसके खुद कार्डिनलिटी कितना होगा, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितना होगा, कार्डिनलिटी कितना होगा, इसकी कार्डिनलिटी होगा ए में जितने एलिमेंट्स, ए में जितने एलिमेंट्स है उसके सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ये होगा। तो कार्डिनलिटी ये इस तरह से लिख सकते। अच्छा, कभी कभी कार्डिनल जैसे ए में कितने एलिमेंट्स है, इसको कार्डिनलिटी के लिए हम लोग एन ए से लिखे थे, इसको कभी कभी वही बोल रहे, ये स्टैंडर्ड सब ये सब नहीं है, सब वो ऑथर कुछ कुछ लिखता तो आपको एग्जाम में बता देगा क्या मीनिंग किसका है, इसके लिए कन्फ्यूज नहीं है, रही है। ठीक, तो दोनों तरह से लिखते हैं, यही कारण हम लिखे कि यदि ए में एलिमेंट एन है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स एन है, तो उसके पावर सेट के कार्डिनलिटी कितना होगा, टू की पावर एन। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हमको सोच के बताइएगा, ठीक है, आप हमको बताइएगा सोच के कि यदि मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं, लेट्स से कि ए एक सेट है, ए छोड़िए सेट क्योंकि सेट आदि दे देंगे देखा हुआ वाला, तो फिर थोड़ा सोचने में आप कंजूसी कर दीजिएगा। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एस एक सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट टू की पावर एन, एस एक सबसेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू की पावर एन है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एस, ये बताना, ये आपका क्वेश्चन है, आप पीएम को बताइए, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप बताइएगा। ओके, चलिए अब आते हैं यूनिवर्सल सेट। तो पहली बात, यूनिवर्सल सेट को ऐसे समझिए, पहले तो इसको डिनोट ही करते हैं हम लोग, डिनोट ही इसको हम लोग करते हैं यू से, इसको यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं है, देखिए जैसे कि मान लेते हम एक सेट ए लिख रहे हैं, 1 2 3 4, बी हम लिख रहे हैं मान लीजिए 5 6 9 10, लेट से ये लिख दिए, और सी एक हम लिख रहे हैं ए बी, लेट से लिख दिए। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये सारे सेट के, ये सारे सेट के उनसे सबसेट पावर सेट, यस, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये सारे सेट के, ये सारे सेट को एक हम रिप्रेजेंट करने वाले, मतलब कि ये एक इसके जैसे, अभी हम एक सेकंड जैसे जस्ट पीछे वाला बात समझिए, जैसे ए बी के सबसेट थे, तो मतलब ए में, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे थे, तो हम लोग ए को बोले थे बी का सबसेट, लेकिन बी को ए का क्या बोलेंगे, एक पॉइंट यहां पर ये भी है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज द बी इन टर्म्स ऑफ ए, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, बी को हम लोग बोलते हैं सुपर सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट नथिंग बट ये सारे सेट के सुपर सेट होना चाहिए, सारे सेट के बोल रहे, ए के हो जाएंगे बी के नहीं हो, सी के हो, ऐसा नहीं, सारे सेट के सुपर सेट।
तो आगे हम अभी यूनियन पढ़ाएंगे तो यूनियन आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी हम डिस्कशन में ले रहे हैं और उस सारे सेट को हम एक डिब्बा में, एक बड़े सेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको हम यूं बोल लें, तो ये सारे क्या होगा, इसका यूनियन होता है। तो यूनिवर्सल सेट ए बी सी का यूनियन निकालेंगे, यदि आप यूनियन निकाल जानते हैं तो निकालेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट निकालें, मतलब कि हम करें कि ये इसके भी सेट सबसेट हो जाए, ये इसके भी सबसेट हो जाए, ये इसके भी सबसेट हो जाए। अच्छा, इसमें क्या यूनिवर्सल सेट यूनिक होगा किसी सेट का? नहीं। अरे इसमें हम ये बोले ए बी का सबसेट है तो क्या बी यूनिक होगा? अरे इनफिनाइट है। हम करें ए यू, हम करें कि यूनिवर्सल सेट होगा, ए सबसेट होना चाहिए यू का, बी सबसेट होना चाहिए यू का, सी सबसेट होना चाहिए यू का, सी सबसेट होना चाहिए यू का। तो आप देख रहे हैं कि मतलब यू को यदि हम यूनिवर्सल सेट बोल रहे तो सारे का होना चाहिए, लेकिन क्या यदि ए यू का सबसेट हो जाए, बी यूनिक का सबसेट हो, तो क्या आप यू को फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं। बस आप ये कर सकते, हाँ हम एक मिनिमम यूनिवर्सल सेट फाइंड कर सकते, दैट विल बी द यूनिक, बट आप ये कहिएगा कि किसी एक डिस्कशन के कंसिडर यूनिक होगा यूनिवर्सल सेट, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3 हम लिख रहे हैं सबसेट के क्या करके यूनियन लिख रहे हैं। आप अभी हम जस्ट आगे डिस्कस कर रहे हैं यूनियन, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा यूनियन क्या होता है, जस्ट आपको हम बस समझा रहे हैं कि आप अभी लॉजिक से समझिए। यदि आपको पता नहीं है यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है, तो आप अभी लॉजिक से समझिए। लॉजिक से हम ऐसे लिख रहे हैं कि ये भी इसके सबसेट हो, ये भी इसके सबसेट हो, ये भी इसके सबसेट, मतलब सी बी इसका सबसेट हो जाए, सारा का सारा सबसेट हो जाए, और यहाँ हम ए बी लिखे, ए बी। अच्छा, 10 छूट गया, ओके 10 यहाँ पर लिख देते। अब देख रहे ये हुआ यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में आ गया आपका, देखिए ए यहाँ सेट होगा, यहाँ आपका बी, अच्छा ये बी आपका सेट है, ये ए सेट है आपका, ये बी सेट है, ये आपका सी सेट, इसके एलिमेंट ए के यहाँ पर होंगे, बी के यहाँ पर होंगे, और आपका सी का यहाँ एलिमेंट होगा। तो यू क्या आ रहा है, देखिए यू, यू जो है ये यूनिवर्सल सेट सबको एक डिब्बा में बंद करके बता रहा, आई एम बिगर सेट, आई एम ए सुपर सेट, मतलब कि ये सबके सेट का सुपर सेट है। ओके, क्लियर है, तो चलते हैं आगे। यस, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, पूरा करना, पूरक, हिंदी उसका होता है पूरक। तो जैसे देखिए ए मतलब इसमें क्या, पहले यूनिवर्सल सेट आपको मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट आपको मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, मतलब कि बहुत सारे सेट होंगे उसके यूनिवर्सल सेट ये मान लेते हैं, उसके यूनिवर्सल सेट ये मान लिए 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे ये मान लेते हैं 2, 4, 5, 6, यस ले लिए, ओके, और ले लेते हैं एक एलिमेंट 7, 7 यहाँ पे दिखा देते हैं, ओके ओके, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ओवरराइड हो गया, तो इसको आप 7 लिख लीजिए, इसमें हम 5 लिख रहे, ऐसे हम लिख रहे हैं कि मतलब ए के एलिमेंट हैं, लेट से मान लेते हैं कि 7 और 5, आपको ये एग्जांपल दिए यू ए और ये, तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए की कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए की कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब कि जैसे कि ए है, ए इसी का यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो होगा ही, ऑब्वियसली है कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा तभी जाके हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज कैसे निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी अभी हम डिस्कस किए कि ये मतलब सारे सेट के सबसेट होंगे, मतलब सुपर सेट होंगे, ऐसे बोलिए, ठीक, सबसेट है या मतलब कि हाँ सुपर सेट बोल लिया, सबसेट, ओके। तो अब यहाँ पर आप ये समझिए एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये जो आउटर साइड है, आउटर में जो भी एलिमेंट होगा वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसी का हम लिखें कि इफ ए इज एनी सेट, यदि आपका कोई ए सेट है, एनी सेट है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए के कॉम्प्लीमेंट जो होगा डिनोटेड बाय ए, इस पर डैश करिए, डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी और ए बार बी, बहुत तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ए बार बी, आपको जो मेथड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको कहीं भी मतलब मिलेगा तो आपको बता देगा कौन क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इस पर कभी मतलब याद मत करिए, और याद कर रहे थोड़ा बुक प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली सी हो जाएगा, क्योंकि मतलब जनरली छोटा मोटा एग्जाम में भी आपको मान के चल रहा था कि ए सी का मीनिंग वही है, वो यूनिवर्सल मान के चलता, लेकिन वो गलत है मानना, लेकिन क्या करिए एग्जाम एग्जाम है, तो एग्जाम में पास करना है। तो देखिए,
तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कह रहा कि एक्स इसके कोई एलिमेंट हो गए लेकिन एक्स ए में नहीं होना चाहिए बट यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि एक्स में वो सारे सब एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में, मतलब ए में है लेकिन वो ए यूनिवर्सल सेट में नहीं होना चाहिए। तो मतलब देखिए, सेवन इसमें था तो सेवन नहीं आएगा एक कॉम्प्लीमेंट में, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, सिक्स आएगा, यही। क्या क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट क्या बोला कि ऐसे एलिमेंट हो जो कि ये इसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो ए में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये एलिमेंट इसमें ए है नहीं, तो आप ये भी कह सकते कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा यहाँ प्लस मत करिए, आप यूनियन लीजिए, प्लस यहाँ मत करिए, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनियन, ठीक, यूनिवर्सल सेट, ओके। तो आप ये भी सोच सकते हैं। तो ये देख रहे हम क्या बोले कि कॉम्प्लीमेंट होगा कटा हुआ पार्ट किसी यूनिवर्सल सेट का, ऐसे कि जो कि यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हो लेकिन जिसका निकालने वो एलिमेंट वो नहीं हो उसमें। देख रहे हैं ए का एलिमेंट इसमें कोई बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। आई थिंक आपको ये भी डिफिनेशन क्लियर हो गया, दैट इज अ सॉरी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, ओके। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस। अच्छा आपको यहां पर समझ में आ गई कि ये मतलब कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा, सॉरी ये जो आपको ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा, आपका ये ए जो कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा, ये वाला जो है सारा का सारा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। यदि ये यू है आपका, ये सेट ए है, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट ये रीजन अंदर नहीं बाहर वाला, ये रीजन, दिस रीजन इज और कॉम्प्लीमेंट, दिस रीजन इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए से, ये रीजन बाहर वाला जो हो गया वो हो गया। अब ये को ये समझ में आएंगे तो जल्दी से लिख देते हैं, रेज हो गया था, ए इक्वल टू मान लेते हैं 5 6 और यू इक्वल टू मान लेते हैं 8 7 6 5 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 8 7 और आप कह लीजिए 3, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट में एक एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ये हो गया आपके ए कॉम्प्लीमेंट, ये हम बोले थे ए सेट को। सेकंड, यस, ओके, तो ये आपका ए सेट हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेट डिफरेंस। तो सेट डिफरेंस ये क्या होता है, ये कौन सा एक नया चीज आ गया, इसको भी समझते हैं। देखिए सेट डिफरेंस क्या है, सेट डिफरेंस, यस, सेट डिफरेंस, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा ए सेट है और ये मेरा ये बी सेट और ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो सेट डिफरेंस क्या बोलता है कि ए माइनस बी का जो हम डिफरेंस करेंगे, लेट से मान लेते पहले ए में एलिमेंट, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, 2 3 8 और बी मान लेते एक एलिमेंट 7 3, लेट्स। तो ए माइनस बी क्या बोलता है कि ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स, एक्स एक एलिमेंट होगा जो ए में तो बिलोंग करना चाहिए, नॉट बी, एंड बी में वो एलिमेंट नहीं बिलोंग करना चाहिए। तो मतलब ए में 2 बिलोंग कर रहा लेकिन बी में नहीं है, चलेगा। 3 ए में है लेकिन 3 बी में भी है तो 3 नहीं आएगा, 8 आएगा, 8 ए में है लेकिन ए बी में नहीं है तो आएगा। तो ये बात है। अब 7 से हमको कोई मतलब नहीं, ए माइनस बी करें ना, हमको इधर वाले से कोई मतलब नहीं, इधर वाले से कोई नहीं मतलब, तो हम यही बोल रहे। अब इसको यहां पर रिप्रेजेंट करके यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो बी मेरा सेट क्या था, 2 था एलिमेंट, 2 एलिमेंट था, 3 था और आपका 8 था, इसमें ये एलिमेंट था, ठीक। और आप देखिए इसमें क्या बी में, सॉरी दिस इज दिस वाज इन ए, ओके, ये ए में सारे था। तो इसको हम क्या कर सकते, देखिए तो यहाँ पे हम ए एक एलिमेंट है
2, 3, 2, 8, 3 ये लिख दिए। अच्छा बी में अब एलिमेंट जो है बी में क्या है 7 और 3 तो 7 इसको लिख दिया, ये बी है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ए और बी में एलिमेंट्स ये सारे हैं, ठीक। तो ए माइनस बी का अभी हम बताएं कि ए माइनस बी तुम्हारा आपका आया 2 और 8। ऐसा क्यों हो रहा है, ए माइनस बी तो ये आया लेकिन इसमें देखना चाह रहे हैं डायग्राम में क्या आए, डायग्राम में डायग्राम कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका आगे आपको बहुत ज्यादा यूज में आने वाला डायग्राम, इसका आगे देखिए ये वाला यूज में आ रहा। यस, अब देखिए ये वाला तो ये आप देख रहे हैं ये वाला, मतलब कि 2, 8 एलिमेंट ये करा, तो मतलब ये डिफरेंस का ही डिफिनेशन हो गया। ये वाले सिर्फ देखिए इसमें सिर्फ प्योर ए का है, बी का एक भी एलिमेंट, ये वाले पार्ट क्या बताता है, दोनों का कॉमन पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों का कॉमन पार्ट बताता है, ये वाला पार्ट दोनों का कॉमन पार्ट भी हट गया और बी का तो अपने आप ही हट गया। तो ये होता है सेट डिफरेंस का। अब यहीं पर हम एक दो पॉइंट पूछना चाहते हैं, देखिए तो अब आप ये बता सकते हैं क्या ए, अच्छा छोड़िए अभी हम ये नहीं बताएं इंटरसेक्शन, तो आगे हम बता लें तो फिर वहीं पर पूछ लेंगे। ओके चलिए, सेट इंटरसेक्शन, इंटरसेट इंटरसेक्शन ये क्या होता है, सेट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन इंटरसेक्ट करना, जहां पर आपस में दोनों के एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा वही पार्ट, ठीक, दैट पार्ट। तो जैसे आपको हम मान, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए एक सेट है, इसके एलिमेंट 2, 5, 3, 4 है, और आप एक मान लीजिए बी एक सेट है, इसके एलिमेंट है 5, 6। यस, यहीं तक रहने दीजिए, यही मान लेते हैं 5, 6। तो अब देखिए हम इसके ए इसको बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं, पता नहीं ये इसका कलर इसमें मैच नहीं कर रहा, ओके या इसको हम ए बोल रहे हैं इसको बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ए में जो एलिमेंट था 2 था, 5 था, 3 था, 4 था, अब लेकिन बी में देखिए बी में एलिमेंट 5 है, 6 है, लेकिन अब देखिए दोनों में कॉमन है क्या रहा 5, तो 5 को यहां पर हम प्लेस कर देते और 5 को यहां से इरेज कर दे रहे, यहां पर नहीं है 5 मान लीजिए और यहां पर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन होता उसी को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम प्रॉपर्टीज या सेट बिल्डर मेथड में लिख रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता सेट बिल्डर मेथड में, सेट बिल्डर मेथड में मतलब कि टेबुलर फॉर्म में, ठीक, टेबुलर फॉर्म में। तो इसमें देख रहे हैं कि आप सेट बिल्डर मतलब इसमें जो हम लिखे हैं प्रॉपर्टीज लिखे, क्या लिखे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में एक्स कोई एलिमेंट होगा ऐसा, मतलब सच डेट ऐसा कि एक्स एक्स ए में भी बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज हियर इज दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी एक सेट ये भी हो गए, इसके एलिमेंट एक्स होगा, एक्स ऐसा होगा जो ए में भी होना चाहिए और एक्स आपके बी में भी होना चाहिए। ये आपके सेट ऑफ ए सेट का इंटरसेक्शन के डेफिनेशन को बताता, तो इसको हम डिनोट करते इससे ए और ये पिन टाइप में, मतलब आप वहां उल्टा या उल्टा बोल सकते हैं, हाँ उल्टा यूं बोल दीजिए, ठीक ये भी चलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां से क्या आया, दोनों कम निकाले तो 5, मतलब दोनों में जो कॉमन है सिंपली वो एलिमेंट को निकालना, देसी तरीका में सीखा जाए तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ओके चलिए हम आगे अब देखते हैं सेट यूनियन। अब ये सेट यूनियन क्या है, सेट यूनियन क्या है, तो अभी देखिए जैसे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना, यूनियन का मतलब क्या होगा, हाँ इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन निकालना, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, ये वाला पार्ट, दोनों सेट का जो पार्ट था ये कॉमन पार्ट क्या निकला था, ए एलिमेंट 5, इस एलिमेंट को हम दिखाए हैं, ये एलिमेंट 5 निकला था, इस एलिमेंट को हम दिखाए हैं यहां पर, इसको सिंगलेटन सेट भी बोलते, एक ही एलिमेंट है सिंगलेटन सेट भी बोलते, ये आपको आया, ओके समझ में यहां तक आ गया। अब देखिए यूनियन क्या होता, मान लीजिए एक ए सेट है,
अब मान लीजिए ए एक सेट है, ये एक सेट है, इसके एलिमेंट मान लेते हैं 2, 3, 5 है, 2, 3, 5 है। और बी मान लीजिए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2, 3, 7, 8। तो ए यूनियन बी क्या होता है, देखिए पहले देखिए क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे, जैसे 2 है, 2 यहां पर दिए क्योंकि रिपीटेशन नहीं, तो कॉमन वाले तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2, 3 लिखेंगे, 5 है इसमें नहीं तो 5 भी लिखेंगे, पहले कॉमन और मतलब कॉमन नहीं है तो उसको भी ऐड करेंगे, तो 5 आ गया, 7 नहीं था तो ऐड कर दिए, 8 आ गया, ये हो गया आपका क्या यूनियन हो गया ए यूनियन बी। यू से रिप्रेजेंट करते इसको, यू से मतलब यू बोल ही सकते, ठीक है, हालांकि कैपिटल यू के बोल सकते हैं, ठीक है चले। तो देखिए ए यूनियन बी डिफाइन, ये भी क्या होता है, एक सेट होता है, पहली बात आपको ध्यान में रखना, इट इज आल्सो अ सेट, लेकिन इसके एक्स कोई एलिमेंट होगा ऐसा, मतलब सच डेट ऐसा क्या कि एक्स ए में बिलोंग करे और मतलब इसमें बिलोंग किया नहीं तो उसमें किया, मतलब और का मतलब कि मतलब इसमें नहीं भी करे यदि बी में भी करा तो हम करेंगे, तो एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए और एक्स आपके बी में बिलोंग करना चाहिए, यहाँ एंड नहीं लिखे, यहाँ कॉमन की बात नहीं हो रहा, हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ता सारे एलिमेंट को, मतलब ऐड इन द सेंस ग्रुपिंग ऐड, ये नहीं मतलब एलजेब्रिक ऐड नहीं, ग्रुपिंग ऐड करते, मतलब कि यहाँ पर हम एलिमेंट को सारे के सारे ये एलिमेंट पता करने की कोशिश करते हैं, इसमें कितना एलिमेंट कॉमन प्लस ये, कॉमन प्लस ये, कहने का मतलब मेरा क्या, ये आपके ये आपके ए सेट हो गया, ये आपके बी सेट हो गया, ये आपके ए सेट हो गया, आपके ये बी से, ये आपके ए सेट हो गया, ये आपके बी सेट हो गया, तो हम दोनों के कॉमन तो लेते हैं और अकेले जो पार्ट रहता है ये सारे पार्ट को लेते थे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, पहले 2, 3, 5 था, 2, 3, 5, यहाँ पर क्या था 2, 3, 7, 8, और जो कॉमन भी दोनों को वाले कॉमन पार्ट यहाँ पर क्या आएगा, जो भी कॉमन आएगा 2, 3, 2, 3, 5, 2, 3 ही कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते 2, 3, 2, 3 यहाँ पर कॉमन आएगा, 2, 3 कॉमन आएगा, बाकी इधर एलिमेंट बी के क्या, कौन से एलिमेंट बी के देख लीजिए, 7, 8 यहाँ पर आएगा प्योर बी के एलिमेंट, और बी के प्योर कहने का मतलब कि हाँ ठीक है मान लीजिए प्योर कहने का मतलब कि ए में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, और ए के एलिमेंट क्या है 2, 3, 5, लेकिन प्योर एलिमेंट क्या है 5। तो देखिए सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके हम बता पा रहे यूनियन में मैं बता पा रहा। अच्छा यहाँ पे एक नोट पॉइंट और, इफ ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इफ ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो उस समय हम ए एंड बी को हम लोग डिसज्वाइंट सेट करते हैं, मतलब दोनों के बीच ज्वाइंट होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, कॉमन है ही नहीं तो डिसज्वाइंट होगा, ज्वाइंट का मतलब दोनों में कॉमन होगा तभी तो ज्वाइंट करेगा, अब है ही नहीं तो कॉमन तो ज्वाइंट क्या करेगा, तो इसमें सिंपल सा बात है, इसको डिसज्वाइंट सेट बोल रहे हैं। अच्छा अब इसी पर एक दो पॉइंट आपको हम पूछेंगे पीछे से, फिर से देखिए जैसे ए इंटरसेक्शन बी, अब ये बताइए आप हमको ए, यहीं पर बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए। देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी यही रिप्रेजेंट कर रहा, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा, अब उसमें भी हमें ए को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब देखिए ये टोटल ए सेट था और ए इंटरसेक्शन बी है, तो दोनों में फिर कॉमन क्या आ रहा, आई आ रहा, इसका मतलब आप ये बोलिए ए इंटरसेक्शन बी है, इस बात को समझ सकते। सिमिलर बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें भी क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा, बी आपके टोटल यहां से यहां है और बोल रहा ये आपके ये वाला पार्ट, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहां भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको समझ के भी रख सकते हैं, कभी कभी ये आपको डायरेक्ट एग्जाम मतलब क्वेश्चन सोल्व करने टाइम में हेल्प करेगा। ओके सिमिलर यहां पर हम ए यूनियन बी में लिखे हैं, तो अब आप बताइए हम ए यूनियन, तो हम ए हम ए यूनियन बी यूनियन, अब इसी में यूनियन ए कर देते तो क्या होगा, ऑब्वियसली से है कि अभी भी वही होगा क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स है सारे इसमें तो आ ही चुके हैं, तो यहां पे क्या होगा ए यूनियन बी ही होगा,
ए यूनियन बी ही होगा, ओके तो ये समझ रहे। सिमिलर ए यूनियन बी, यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी ही होगा, ए यूनियन बी ही होगा, ये सिंपल सा रूल था, ओके चलिए आगे बढ़े। अब सिमेट्रिक डिफरेंस और बुलियन सम, सिमेट्रिक डिफरेंस और बुलियन सम ये क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस इसको आप डिजिटल लॉजिक में पढ़ेंगे या सॉरी डिजिटल लॉजिक छोड़िए आप फिजिक्स में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो जब बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है इसका मतलब देखिए, अभी हम देखे जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका सेट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां पर जो ए, इसको हम बोल रहे हैं, इस सेट को बोल रहे हैं ए और इस सेट को बोल रहे हैं बी, और यहां पर मान ले इसके एलिमेंट को, इसके एलिमेंट ए के एलिमेंट को मान रहे थोड़ा देर के लिए 1 2 3 और बी के एलिमेंट मान रहे 5 6 3 लेट से मान लिया। तो ए और इसको डिफरेंस को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं बुलियन सम। ए बुलियन सम बी क्या होगा, एक्स इसके कोई एलिमेंट होंगे, प्रॉपर्टीज वाइज में लिखें, एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए और एक्स बी में बिलोंग करना चाहिए, बट इंटरसेक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो सेट होगा आपके, ये सेट जो होगा कहां बिलोंग करना चाहिए उसको हम यहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं, उसको यहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं कहां पर बिलोंग करना चाहिए। लीजिए देखिए मार्क हम कर दे रहे, मतलब ये इसके एलिमेंट या तो यहां होना चाहिए या तो यहां होना चाहिए। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे सर इसका नाम सिमेट्री क्यों रख दिए, सिमेट्रिक का क्या, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि आप यदि इस लाइन से देखेंगे तो जितना इस पार्ट में आ रहा है डायग्रामेटिकली उतना उस पार्ट में भी आ रहा, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर सकता, इसलिए इसको हम सिमेट्रिक बोल रहे हैं, सिमेट्रिक बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा, जैसे हम देखिए अभी लिए 1 2 3 तो ये बेसिकली क्या बोल रहा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के एलिमेंट क्या होंगे। तो पहले बात तो क्या करिए, आप दोनों के इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन ये वाले मतलब इस पॉइंट पे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ये तो है ही है लेकिन इस पॉइंट में एलिमेंट क्या होंगे, तो यहां पर देख पा रहे हैं आप 3 आ रहा, मतलब हम यहां पर ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को बता रहे हैं 3, एक एलिमेंट 3 आ गया। आप क्या करिए यहां 3 को ए से भी माइनस कर दीजिए, ए से माइनस कर देंगे तो ये प्योर वाला आ जाएगा, और इसके बाद बी में भी इस वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो ये वाले एलिमेंट आ जाएगा, दोनों का यूनियन ले लेंगे इसी का तो वैल्यू दे देगा, इसी का तो इसी कारण यहां लिख के देखिए ये बेसिकली क्या बताता है, ये वाला पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को, और क्या लिख सकते ए माइनस बी, और इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं बी माइनस ए। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये पार्ट क्या ले रहा, ना तो इस दोनों को कॉमन वाला पार्ट को ले रहा और ना खुद को ले रहा, अभी जैसे हम डिफरेंस के देखे हैं तो दोनों को हम फिर यूनियन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देगा। अब एक और बात कर सकते, अब देखिए क्या ये वाला से कैसे होगा, देखिए अब आप ऐसे समझिए, इंटर यूनियन का मतलब ए यूनियन बी मतलब टोटल हुआ, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इंटरसेक्शन वाले को, तो डिफरेंशन जो करा वही आएगा। तो ए डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी या बुलियन सम क्या होगा, यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि इसमें एलिमेंट इसके वाले सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, 1 2 में 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 2 ए वाले के लिए इसका लिए निकाल लें और बी माइनस ए, बी में क्या होना चाहिए 3 घट जाना चाहिए तो 5 6 5 6। क्या अब इसके डिफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, देख रहे हैं कि देखते हैं कि कोशिश करते हैं क्या करा, इसके एलिमेंट जो है एक के एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट 1 2 3 है, तो 1 है 2 है 3 नहीं होगा तो देखते हैं क्या, और एक्स जो है बी के एलिमेंट भी होना चाहिए लेकिन इंटरसेक्शन वाले नहीं होना चाहिए। तो आंख बंद करके पहले आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए और देखिए इसका ये इसमें एलिमेंट है, यदि है तो तुरंत काट दिए, यदि नहीं है तब आगे बढ़िए, तो 3 नहीं है तो पक्का है कि अब हो सकता, अब हम थोड़ा डिफिनेशन को चेक कर लेते। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा तो हो जाएगा, जैसे आपको हम एक आंख बंद करके ऐसे भी बोल सकते हैं कोई, ठीक है कि सर ऐसे होगा तुम कह देंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। देखिए
अब मान लीजिए ये क्या है, डिफरेंस हुआ नहीं हुआ, वो हम एक जस्ट ऐसे तरीका बताए कि सही तरीका है कि पहले चेक करिए क्या थ्योरी इसमें आ रहा नहीं आ रहा, फिर आप आगे स्टेप पे बढ़िए, क्या कर रहा है, ए में से बी को माइनस कर दीजिए और यूनियन ले लीजिए बी माइनस ए, या तो आप दोनों का यूनियन निकालिए और ए माइनस बी करिए, आपको जैसे भी इजी लगता। आप इसके बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं तो आप कर सकते हैं, हम जस्ट यहाँ पर करके दिखा दिए। तो क्या किए, पहले ए माइनस बी किए, ए में एलिमेंट क्या था 1 2 3, माइनस बी कर दिए, बी में एलिमेंट क्या है, बी में एलिमेंट आपके क्या है, बी सेट क्या 5 6 3, तो बस सेम वाले एलिमेंट को घटाइए जो 3 था, 3 को हटा दिए, फिर यूनियन करें बी में से ए को घटा रहे, ए सेम वाले एलिमेंट को घटा रहे, क्योंकि डिफरेंस के डिफिनेशन ये आई होता है कि सेम वाले एलिमेंट को घटा देते हैं और इंटरसेक्शन वाले भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस और बुलियन सम की डिफिनेशन क्लियर हो चुका है। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत सारे एग्जाम में ये आ सकता है, यदि नहीं भी आए तो आप हायर एजुकेशन जब स्टडीज करिएगा तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो ये बुलियन क्या बोलता है, इसको हम एक एग्जांपल, ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, इसको हम एग्जांपल से एक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपके एक सेट है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब इसके एलिमेंट हम ले चुके हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ऐसा छोटा हो जाता, ऐसा बड़ा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा। देखिए तो आप मान लीजिए कि ये आपका सेट है ये, और ये आपका बी सेट है, हम इसको बोल रहे हैं ए और इसको बोल रहे हैं बी, और यूनिवर्सल सेट ये, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखा, ये सारे आपके यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है 1 0 to 10, और ए एलिमेंट हम ये ले लिए और बी एलिमेंट ये ले लिए। तो ये क्या बोलता, ए और ए यूनियन बी की पहले कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम तो ए यूनियन बी निकाले जल्दी से, क्या होगा ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए यूनियन मतलब कॉमा, मतलब जैसे कि दोनों ए में हो या बी में, और तो 2 इसमें नहीं तो 2 ले लेंगे, 4 है 4 नहीं है तो ले लेंगे, ठीक 6 नहीं है ले लेंगे, आई थिंक देखिए कोई भी कॉमन नहीं है तो आंख बंद करके सब लिख देना चाहिए, 2 4 6 8 1 3 5 7, अच्छा इधर लिख लेते हैं, एट 1 3 5 और 7 और 9, देखिए ये आपके एलिमेंट्स, मतलब ए ए यूनियन बी हो गया। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट, अभी हम देखे ए यूनियन बी, ये सारे आपके एलिमेंट हो गए, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर वाले पार्ट, तो बाहर वाले पार्ट में मतलब कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो अब बाहर वाले एलिमेंट मतलब सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यू में से मतलब यूनिवर्सल सेटमेंट से सी भी लिख सकते आप कॉम्प्लीमेंट में, डैश भी लिख सकते ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट माइनस कर, तो ए यूनियन बी की सॉरी ए यूनियन बी ये माइनस कर रहे, तो ए यूनियन बी माइनस कर रहे वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट वही होंगे जो ए यूनियन में से बी नहीं होगा, तो 0 नहीं है, 1 होगा, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा, 4 देख लीजिए 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 0 और 1 के अलावा आई थिंक एक 10 भी है, और 9 नहीं है, 9 नहीं, 7 है, ओके ये होगा 0 1 10, ये आपके सॉरी 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 तो इसमें ऑलरेडी आ चुका, तो 0 और 10 होगा, सॉरी यस 0 एंड 10 होगा, 0 एंड 10 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया, ये ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट निकाल। अब ये क्या बोल रहा कि LHS में देखे, ये हम LHS में देखें लेफ्ट हैंड साइड में देखें, RHS साइड क्या बोला, राइट हैंड साइड कि A का कॉम्प्लीमेंट, A की कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से A माइनस कर दीजिए, तो यूनिवर्सल सेट में से A माइनस कर देंगे, इधर क्या बचेगा, A माइनस करें 0 1 3 5
थ्री फाइव और आपको बच रहा सेवन और बच रहा आपका नाइन और आप बच रहा आपका टेन, देख पा रहे हैं जीरो वन थ्री फाइव सेवन नाइन टेन। और ये कह रहा बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट करते तो बी इसको में यू माइनस बी करना पड़ेगा क्योंकि यही होता अभी जस्ट पढ़े थे हम, तो ये तो बी माइनस यू में से बी माइनस करें तो बी आपका क्या वन थ्री फाइव सेवन नाइन है, तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा जीरो, वन तो खत्म, टू टू आएगा, थ्री खत्म हो जाएगा, फोर आएगा, फाइव नहीं आएगा, मतलब देखिए फाइव है तो फाइव इसमें नहीं आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा नहीं आएगा, एट आएगा, टेन आएगा, एट टेन है। अब दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालिए, इंटरसेक्शन यहां पर देख पा रहे होंगे कि जीरो और टेन ही कॉमन आ रहा, मतलब ये LHS और RHS आपका यहाँ पर क्या हो रहा इक्वल हो रहा, इट मींस बोथ आर इक्वल, ये आपके डी मॉर्गन्स लॉ के स्टेटमेंट है। हम फर्स्ट प्रूफ कर दिए, आप सेकंड भी इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं जस्ट सेम एग्जांपल्स, इसमें कोई आपको नया सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके आपको याद रखना ये जरूरी है, ये दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे हम बढ़ रहे हैं। ओके तो अब देखिए लास्ट लास्ट में इसके एक और होगा, ठीक है। अब समझिए ये एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है, अभी ही जस्ट इसको देखें, देखिए इसको आप एग्जांपल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए हम यूनिवर्सल सेट माने, हालांकि यूनिवर्सल सेट यहाँ पर माने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आप इसी एग्जाम्पल को देखिए, तब फिर वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके बता दे रहे हैं, देख लीजिए पहले वेन डायग्राम से ही। देखिए आपका ये सेट है यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम मान लीजिए ये आपका, ये आपका ये ए हुआ ये बी हुआ, ठीक। तो आपके ए इंटरसेक्शन बी यहां पर कहीं आ रहा, ये इंटरसेक्शन बी यहां पर कहीं आ रहा, ये ए इंटरसेक्शन बी दिस पार्ट को रिप्रेजेंट कर, इसमें अब हम यूनियन ए से करेंगे, यूनियन का मतलब क्या टोटल एरिया, लॉजिकली भी आप देख पा रहे हैं कि ए ही आ रहा। आप अब ये वाला पार्ट देखना चाह रहे, ये भी देखिए, अब ए यूनियन बी क्या हुआ टोटल पार्ट हुआ था, अब ये सेकंड पार्ट को मैं बता रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट की हो गया, सेकंड पार्ट को आप देखिए, क्योंकि मतलब ये देखिए वेन डायग्राम लॉजिकली ही है प्रूफ किया जाता है, आपको इसको मैथमेटिकली सोचने प्रूफ करने तो थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरह से करिए, ए और बी है, क्या बोला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ये सारे यहां से यहां तक के एलिमेंट, यहां से यहां तक एलिमेंट, उसमें करा ए का इंटरसेक्शन, ए जब इंटरसेक्शन कर देंगे तो क्या आएगा, यही वाला पार्ट बचेगा ना, यही वाला पार्ट बचेगा, तो ऑब्वियसली से ये ही होगा। आप इस एग्जांपल से भी प्रूफ कर सकते हैं, ये हम आपको होमवर्क दे रहे, दिस इज योर होमवर्क, आप प्रूफ कर सकते हैं। हम इसको ये वाला आपको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, इस सेट की आपको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, इसके हम ऐसे जस्ट लिख दिए ताकि सवाल कंप्लीट रहे, तो रहने दीजिए सवाल कंप्लीट रहे, अच्छा लगेगा तो इसलिए उसको हटा देते हैं, रहने दीजिए। तो आपको ये भी एब्जॉर्बिशन लॉ समझ में आ गया, मतलब क्या एब्जॉर्ब कर रहा, मतलब देखिए ये एब्जॉर्ब नाम कितना अच्छा रखा है एब्जॉर्बिशन लॉ, कि आपको ये यूनियन को कोई फर्क नहीं, यूनियन यूनियन का इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये यूनियन क्या है नहीं है उसको कोई मतलब नहीं, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा, उसको खत्म कर दे रहा, आओ तुम टर्मिनेट हो जाओ, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्ट ए का ए आ गया, यहाँ ए इधर ए यूनियन बी है, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन ही भी याद मैथमेटिकली मत रखिए, मतलब कि कहने का मतलब डायरेक्ट रट्टा मार्क मत रखिए, अब वेन डायग्राम से जाने की कोशिश करिए, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ज्यादा हेल्प करेगा। तो ऑब्वियसली से था कि यहाँ पर कॉमन पार्ट ये था और यहाँ पर भी कॉमन पार्ट ये था, हमें लॉजिकली समझा दी, आप मैथमेटिकली एग्जांपल से मैथ समझ सकते हैं, आपके लिए ये होमवर्क है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके अब मॉड्यूलर लॉ, ये क्या है, ये तीन सेट के लिए अप्लीकेबल है, तो आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बस आपको बोलाएगा कि यदि मतलब इसमें सिंपली आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि अदि इस तरह का है, इफ में देगा, मतलब कि ये कंडीशन है, ये ट्रू होगा ओनली ए सबसेट हो सी के, ए सबसेट हो सी के, मतलब कि ए यूनियन बी
का पहले, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन सी इक्वल टू लिख रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। यदि ऐसा लिख रहा है, ये दोनों इक्वल तभी हो सकता ओनली ऑन इफ ओनली, मतलब ये है तो आप इधर से भी जा सकते हैं और ये है तो इधर भी जा सकते हैं, मतलब दोनों में केस ट्रू है। सिमिलर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये ट्रू होगा ओनली और ओनली जब ये हो तब। अच्छा, अब कह रहे हैं कि सर इतना प्रॉपर्टीज पढ़ लेता, एक भी प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े एकदम आप इसको अच्छे से पढ़ के रखिए, ठीक है? डायरेक्ट आता है एग्जाम में, सही है। यदि इससे कोई बाहर पूछता है तो एक भी इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करने वाले नहीं है, हम एक दूसरे मेथड से करेंगे, वो बहुत इजी मेथड है, खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है, तो वो मजेदार मेथड है। ये तो हम बस आपको समझाने के लिए बता दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे सेट थ्योरी की क्विक में, मतलब कि 10 से 20 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है? ये तो आप हमको बस समझाने के लिए आपको समझाएं कि ये सब भी क्लियर होना चाहिए, क्या पता डायरेक्ट ये सब कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता, तो आपको पता रहेगा तो डायरेक्ट बता सकते हैं, इसीलिए ये सब बता है। ओके, तो ओके, ये तो हम टर्मिनेट कर रहे। ओके।